सपा बसपा पर जमकर गरजे अमित शाह। मांझरी विधानसभा के भाजपा व निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी केतकी सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए अमित शाह ने सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाषण की शुरुआत करने से पहले उन्होंने भगवान परशुराम एवं महर्षि भृगु को तपोभूमि को प्रणाम किया एवं बलिया के भगवती तेवर की चर्चा करते हुए कहा कि बलिया के नाम आते ही रक्त वाहिकाओं में बिजली उमड़ती है। यह चित्तू पांडे एवं मंगल पांडे की धरती है। इस धरती पर जयप्रकाश ने जन्म लिया था। इस धरती पर कुंवर सिंह ने अपने हाथों से अपना हाथ काटकर मां गंगा को समर्पित किया था। इस भूमि की स्वर्णिम इतिहास है। अमित शाह ने कहा, भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह को यहां की जनता मौका देती है तो हम बलिया को गौरवान्वित करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5-5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में गरीबों को देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 2 साल तक अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हमारे बलिया जिले के लिए भी ढेर सारे काम करें। बलिया जिले में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाने वाला है, बन रहा है। इसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ हम एक बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी बलिया में डालने वाले हैं। सिकंदरपुर में पूर्व में स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण करने वाले हैं। बलिया और गाजीपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 31 का काम भी हमने चालू कर दिया है। 82 पुल का उद्घाटन कर दिया है। हाईटेक बिजली ट्रांसमिशन बलिया और रासड़ा में बनता है जो हमारे बांसड़ी में भी बिजली पहुंचाने का काम करेगा। बलिया मऊ गाजीपुर के और बांसड़ी के 100 सबस्टेशनों से अविरत बिजली इससे मिलेगी। घरौली से माचीघाट तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी हमने चालू करा है। 12 करोड़ की लागत से बांसड़ी के हर गांव को तहसील सेंटर तक जोड़ने की सड़कें बनाने की योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 राजकीय इंटर कॉलेज की निर्माण भी हो रहा है और सिर्फ बांसड़ी में 4 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जो जातियों की बात कर देना कभी